ने विभोर भटनागर कारुकर सिविल सिविल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर द्वितीय वर्ष सिविल इंजीनियरिंग के विषय कोड CE 208 के विषय बिल्डिंग ड्राइंग के ई प्रैक्टिकल्स में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा विद्यार्थी अपने विषयों को ड्राइंग तथा स्केच के माध्यम से अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ड्राइंग को बनाने, निर्माण हेतु विस्तृत ड्राइंग बनाने एवं समझाने की आवश्यकता रहती है। यह तभी संभव है जब वे स्वयं इसको अच्छी तरह से समझे। इसी अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए यह विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप में से काफी विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रथम वर्ष में पढ़ी है, किंतु द्वितीय वर्ष पार्ट्स कॉलेज में प्रवेशित छात्रों के लिए यह विषय नया है। बिल्डिंग ड्राइंग बनाने के अंतर्गत हम प्लान, एलिवेशन तथा सेक्शन बनाने के लिए ड्राइंग को निम्नानुसार समझने का प्रयास करेंगे। प्लान, ड्राइंग के मुख्य अवयव प्लान है, जिसके अंतर्गत हम आवासीय तथा सार्वजनिक भवनों इत्यादियों में अपनी आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। इसी के आधार पर इनका लेआउट भूमि पर कर निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं। साथ ही इसके माध्यम से खिड़कियां, दरवाजे, अलमारियों की स्थिति को भी दिखाते हैं। भवन का प्लान बनाते समय स्थानीय तथा जारी नियमों एवं उपनियमों का पालन करना चाहिए एवं प्राकृतिक प्रकाश एवं हवा का आवागमन हो, यह इस बात का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। यही एक अच्छे भवन की पहचान है। एलिवेशन, आप जिस मकान का या भवन का प्लान बना रहे हैं वो आपको सामने से कैसे दिखेगा, साइड के तीनों व्यू कैसे नजर आएंगे, वो चारों दिशाओं से कैसे दिखेगा, यह एलिवेशन के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। इसी तरह भवन के अंदर के पार्ट को दिखाने के लिए हम सेक्शन बनाते हैं, जिसके अंतर्गत अंदर जो जितनी भी छुपी हुई चीजें हैं वो तो हम दिखा सकें, जैसे भवन भूमि से कितना ऊंचा है, उसकी सील का लेवल क्या है, लिंटर लेवल क्या है, छत की ऊंचाई क्या है, खिड़कियों की साइज क्या है, वो सब हम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार बिल्डिंग ड्राइंग को दो भागों में बांटा गया है, एक है आवासीय भवन और दूसरा है सार्वजनिक भवन। एक आवासीय भवन में हमें निम्नांकित की आवश्यकता रहती है, जिसमें शयन कक्ष, बैठक कक्ष, रसोई, स्टोर, पूजा रूम, शौचालय जो संयुक्त एवं अलग अलग हो, सीढ़ियां, पार्किंग इत्यादि। शयन कक्ष आपकी आवश्यकता अनुसार एक दो या अधिक हो सकते हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक भवनों में की आवश्यकता उनके अनुसार रहती है, जिनकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें हम विद्यालय भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑफिस, सामुदायिक भवन, होस्टल, हॉस्पिटल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग इत्यादि के प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाएंगे। क्योंकि द्वितीय वर्ष पार्ट्स प्रवेश नए विद्यार्थी भी आए हैं, अतः हम सब सर्वप्रथम वर्ष में बने गए ड्राइंग से विस्तृत चर्चा करेंगे। ड्राइंग बनाने से पूर्व हमें निम्नांकित उपकरणों की आवश्यकता रहेगी: ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, पैमाना, पेंसिल, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, रबड़, डस्टर, टेप तथा क्लिप और कंपास यानी प्रकार। आइए हम एक ड्राइंग के बारे में बैठकर हम बताएं फर्स्ट ईयर की ड्राइंग में किस तरह से हमें आवश्यकताएं दी जाती है और हम उसको पूरा करते हैं। मेरे पास ये एक ड्राइंग है जिसमें उन्होंने हमें एक लाइन प्लान दिया हुआ है, जिसमें उसमें अलग अलग साइज लिखी हुई है, इसी प्रकार उसकी भी डिटेल हमें दी गई है। इसके पूर्व ये बनाए उसके पहले एक दीवार का सेक्शन अपने पास में है, जिसमें हम सारी चीज़ों को दिखाएंगे। ये दीवार का एक सेक्शन है मेरे पास में, जिसमें ग्राउंड लेवल है 00, उसके बाद में DPC लेवल है, उसके ऊपर फ्लोर फिनिशिंग का लेवल है, इसके ऊपर लिंटर लेवल है, फिर सील लेवल है और छत की ऊंचाई और फिर टेरेस है। हमें ये देखना है कि दरवाजा किस ऊंचाई का लिया हुआ है, ये इस दीवार में मार्क करेगा, लिंटल कितना बड़ा है उसकी मोटाई दे रखी है, हमें सील लेवल में कितनी ऊंची सील ले रखी है वो दे रखी है, खिड़कियां कितनी बड़ी ले रखी है, खिड़कियों की साइज लिख रखी है। वैसे लाइन प्लान में जो दिया गया है उसके अनुसार हमें नाप इसमें शो करने हैं। ये एक लाइन प्लान हमें दिया गया है जिसमें हमें समझा दे, इसमें एक लिविंग रूम दिया गया है, एक बेडरूम दिया गया है, एक किचन दिया गया है और एक बाथरूम और एक WC बनाई गई है। इस प्रकार लाइन प्लान दिया जाता है जिसको हम आगे डेवलप करेंगे।